हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फाइनली जो है रमज़ान का जो है तकरीबन आधे से भी ज़्यादा जो है बल्कि अब तो ख़त्म ही होने वाला है जो है रमज़ान है। और अब तो ईद की तैयारियां हो रही हैं और लोग बिज़ी हैं ईद की तैयारियों में, कपड़े वगैरह। और आई होप आप लोगों का जो है रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी जो है रमज़ान काफ़ी अच्छा गुज़रा। तो खैर यहाँ मैं जो हूँ सहरी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी जो है वो शेयर करूँ। वैसे तो रमज़ान तो एंड पर है तो बहुत लेट हो गई हूँ मैं, तो बस मैं बिज़ी इतनी हो जाती हूँ बच्चों में और चीज़ों में, तो वो इतना रहता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से जो है वो टाइम निकल पाता है। तो खैर यहाँ पर जो है हम लोग सहरी कर रहे हैं, और सहरी जो है विदाउट पराठे के तो बिल्कुल ही मतलब इम्पॉसिबल है। वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं, कभी कभी हम लोग ब्रेड भी ले लेते हैं। तो कभी कभी जब दिल करता है पराठे खाने का तो फिर एग और पराठा मस्ट है, तो मज़ा भी आता है। तो यहाँ हम लोगों ने जो है जो सहरी की है पराठे और एग से की है, और साथ में जो हम चाय ले लेते हैं तो उससे जो है वो हमारी जो है सहरी अच्छी हो जाती है। कभी कभी होता है हम लोग ब्रेड वगैरह के साथ भी जो है वो सहरी कर लेते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपसे अपनी सहरी की जो है वो भी रूटीन शेयर करूँगी, और कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने अफ्तार के भी बनाए हैं तो वो भी आपसे जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ बन रहे हैं पराठे, और मैं बना ही रही थी सहरी के, जो मेरे बेटा है वो उठ के जो है वो आ गए और कहते मामा मुझे भी जो है वो पराठा चाहिए। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि जो दोनों बच्चे जो है ना वो सो जाए टाइम पर, ताकि फिर हम लोग आराम से जो है ना वो सहरी जो है वो कर लें। बट अक्सर ऐसा होता है क्योंकि रमज़ान में जो है ना रूटीन काफ़ी ऑफ हो जाती है, तो हम लोग जाग रहे होते हैं तो बच्चे भी फिर वो उठ जाते हैं और फिर उनकी भी जो रूटीन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो खैर फिर यहाँ पर मैंने उनके उसके लिए भी जो है वो मैंने पराठा बनाया, और फिर बस ऐसे ही होता है कि फिर सारी रात मैं भी जागती रहती हूँ और फिर उनको सुला के फिर मैं जो हूँ वो सोती हूँ। अच्छा आजकल तो जो है वो छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं तो बेटा जो है वो घर पे ही है, तो मतलब नॉर्मल रूटीन में जो होता है कि वो स्कूल से ज़्यादा पता थके हुए होते हैं तो फिर वो सो जाते हैं, तो वो फिर सुबह ही ना वो उठते हैं। लेकिन जो मेरी बेटी है वो जो है ना वो उठ जाती है, और उसको फिर होता है फिर मैं उसको फिर देख रही होती हूँ सहरी के टाइम पे, वो उठ जाती हैं और फिर वो सहरी करके जो है वो सोती हैं। तो अक्सर आई थिंक रमज़ान में ऐसे ही रूटीन हो जाती है बिल्कुल ही ऑफ, तो फिर बाद में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सही होती है। जी तो ये है नेक्स्ट डे, और मौसम जो है आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है आ रहे हैं, सनी डेज़ वग़ैरह चल रहे हैं क्योंकि समर जो है वो करीब में ही है और अच्छा है, बल्कि बंदा इंजॉय करता है। यही डेज़ होते हैं जिसमें ना आप आउटडोर एक्टिविटीज़ वग़ैरह करते हैं। तो खैर यहाँ मैं आपसे जो है एक अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है अरोमा डिफ्यूज़र जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसमें मतलब सेंट वगैरह आप डालें
और पानी जो है वो आपको ठंडा वगैरह डालना है, और उसके अंदर आप ड्रॉप जो है ना वो डालने हैं आपने, तो वो खैर आप लोग सबको पता ही होगा। तो ये मैंने दिया तो बहुत ही अच्छा है ये, और यूज़ में काफ़ी अच्छा है, तो मतलब आपके घर को फ्रेश जो है वो रखता है। तो मैं जब भी क्लीन वगैरह करती हूँ वैसे भी जो है वो फिर मैं ना इसको लगा देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा और मुझे अच्छा लगा है ये, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो है वो लाइट वगैरह भी जलते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल लुक इसका कि कैसा कैसे ये ऑन होता है और क्या इसका लुक आता है। तो साथ में इसके प्लग भी है, और वो आप मतलब प्लगिंग करके तो वो फिर से ऑन होता है, और एक जो है वो हम लोगों ने अलग से बाय की है सेंट की बॉटल, तो वो साथ नहीं मिली थी तो वो अलग से आपको बाय करनी पड़ती है। तो वो आप मतलब ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर मतलब ख़त्म हो जाए तो। ये है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये मतलब घर के लिए, और मतलब आपका जो घर है वो मतलब अच्छा रहेगा और मतलब आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो आई थिंक ये अच्छा मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और इसमें टाइमिंग सेट है तो उस हिसाब से जो है लाइक आपको 1 आवर के हिसाब से चलाना है या 2 आवर्स के हिसाब से चलाना है, तो टाइमिंग सेट हो जाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाता है। तो ये भी इसकी जो चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है। जी तो बात आती है इफ्तारी की, तो इफ्तारी में जो था वो मैंने फ्रूट चाट वगैरह बना ली थी, और वो योगर्ट की मेरी फेवरेट, और सैलड वगैरह रख लिया था, वाटरमेलन और स्प्रिंग रोल थे। तो इफ्तारी जो थी वो काफ़ी हम लोगों ने मैंने हल्की ही रखी थी, क्योंकि हम लोगों ने पराठा वगैरह था वो सहरी में खाया था। तो उसके बाद बच्चों के लिए मैंने था वो स्पेगेटी जो थी वो बना ली थी, तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर बाद जो था वो चख लिया था, क्योंकि इफ्तारी में बस इतना ही खाया जाता है, तो मतलब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, बस होता है कि पानी वगैरह पी लें और दैट्स इट। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अपनी अफ्तारी जो है वो की। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।